नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वह संधि से संबंधित है, स्वर संधि। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ स्वर संधि की, जिसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन अ आ ई ई उ ऋषि ए आई ओ औ तक आपको याद करनी है लाइन। उसको तीन भागों में बांट कर याद करना है, उससे आप पूरी स्वर संधि आसानी से सीख जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स हैं आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो दोस्तों, उस ट्रिक्स को पढ़ने से पहले संधि के बारे में कुछ बातें कर ले कि संधि होती क्या है। तो संधि की बात करें तो संधि की परिभाषा होती है, दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि होती है। यानी संधि के अंदर दो ध्वनियाँ होती है, दो वर्ण होते हैं, वो दोनों वर्ण मिलते हैं तो उसकी उन दोनों वर्णों के मिलने से उनकी ध्वनि में जो विकार यानी बदलाव होता है उसको हम संधि कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होता है संधि और समास में अंतर। अंतर की बात करें दोस्तों, तो संधि और जो समास है इसमें बहुत सारे लोग उन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, संधि को समास कह देते हैं और समास को संधि कह देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत कुछ अंतर है। संधि में तो ध्वनियों का मेल होता है दोस्तों, और समास में शब्दों का मेल होता है, ये बहुत ही बड़ा अंतर है। संधि में तो ध्वनियों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है मेन, संधि ध्वनियों का मेल, समास शब्दों का मेल, ठीक है दोस्तों। उसके आगे हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वर है होते हैं, उन दोनों स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी अगर दोनों तरफ स्वर हैं और उन दोनों का मेल होता है तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है यहाँ पर, देव धन आलय छे देवालय, तो देव में व है, व के साथ अ जुड़ा हुआ है तो अ, और आ प्रथम वर्ण आ, आ से आ, तो अ और आ का मेल होने से आ बन गया था। यानी यहाँ पर अ का मेल और आ का मेल दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वरों का मेल हुआ था, इसलिए ये संधि है, स्वर संधि कहलाई है। तो जहां पर दो स्वरों का मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। अब हम बढ़ते अपने ट्रिक्स की ओर। हमारी ट्रिक्स है, हमारी ट्रिक्स दो, देखिए दोस्तों, संधि इसमें ये लाइन है अ आ ई ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ, इसको तीन भागों में बांटना है दोस्तों। जैसे मैंने बेटा अ आ को अलग बांट दीजिए, ई ई उ ऊ और ऋषि को अलग बांट दीजिए, ए आई ओ औ को अलग बांट दीजिए, इनको नाम दे दीजिए पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पार्ट वन में अ आ, पार्ट टू में ई ई उ ऊ ऋषि, पार्ट थ्री में ए आई ओ औ, तीन पार्टों में बांट लिया। अब हमें देखना है कि गुण संधि में क्या होगा, यण में क्या होगा, अयादि में क्या होगा, वृद्धि में क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं गुण संधि की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, गुण संधि की। गुण संधि की ट्रिक है अपने यहां पर पार्ट वन प्लस पार्ट टू, पार्ट वन या अन्य प्लस पार्ट टू, यानी कि पार्ट वन यानी अ आ के साथ में पार्ट टू, पार्ट टू में से कोई भी वर्ण मिल जाए, यानी ई ई उ ऊ या ऋषि, कोई भी वर्ण मिल जाए, यानी अ आ के साथ में ई ई उ ऊ ऋषि, यानी पार्ट वन के साथ में पार्ट टू का कोई भी वर्ण मिल जाए तो वहां पर गुण संधि होगी दोस्तों। यानी अ आ के साथ में ई ई उ ऊ या ऋषि मिल जाए तो वहां पर गुण संधि होगी। अब दूसरी बात करें दूसरी संधि की, तो यण संधि की बात करते हैं हम। तो यण संधि में क्या होता है दोस्तों, पार्ट टू के साथ पार्ट वन मिलना, पार्ट टू के साथ पार्ट वन का मिलना, यानी पार्ट टू में ई ई उ ऊ या ऋषि, पार्ट टू इस पार्ट टू के साथ में पार्ट वन का मिलना, यानी पार्ट वन में क्या है अ या आ, अ आ या फिर अन्य कोई वर्ण होता है वो अगर पार्ट टू के साथ मिल जाता है तो वहां पर यण संधि होगी, यानी कि ई ई उ ऊ ऋषि धन अ आ या अन्य कोई वर्ण अगर ये मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण संधि। आपको एग्जाम में
यही देखना है, संधि विच्छेद कर लिया तो आपको देखना है पहले कौन सा वर्ण आ रहा है, पार्ट टू वाला आ रहा है या पार्ट वन वाला आ रहा है। अगर पार्ट टू वाला आ रहा है तो यण संधि, और पार्ट वन वाला पहले आ रहा है और पार्ट टू वाला बाद में आ रहा है तो गुण संधि लेनी है। तो जो यण संधि की ट्रिक है वो है पार्ट टू प्लस पार्ट वन, टू प्लस वन यण संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट थ्री की ओर, अयदि संधि की ओर। यानी अयदि संधि में क्या होता है, पहले तो पार्ट थ्री आएगा, क्या आएगा दोस्तों, पार्ट थ्री यानी ए आई ओ आउ, ए आई ओ आउ के साथ में पार्ट वन, पार्ट वन यानी अ आ मिलना, पार्ट थ्री के साथ पार्ट वन का मिलना अयदि संधि होगा। समझ में आ गया दोस्तों, पार्ट थ्री के साथ पार्ट वन मिल गया तो अयदि संधि हो गया। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि की बात करें दोस्तों तो वृद्धि संधि में क्या होगा, पार्ट वन प्लस पार्ट थ्री यानी अ आ के साथ में पार्ट थ्री ए आई ओ औ मिलते हैं तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। वापस देख लीजिए एक बार, पार्ट वन प्लस टू बराबर गुण संधि, पार्ट टू प्लस वन बराबर यण संधि, पार्ट थ्री प्लस वन बराबर अयदि संधि, और पार्ट वन प्लस पार्ट थ्री बराबर वृद्धि संधि। तो ये जो ट्रिक थी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम यही पूछा जाता है कि गुण संधि है या यण संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप उसको संधि विच्छेद कर लीजिए जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको फिर बाद में ये देखना है कि ये पार्ट टू में से है या पार्ट वन में से है, इस तरीके से आप आसानी से स्वर संधि को याद कर सकते हैं। अब ये तो हमारा पार्ट वन वीडियो है, अगर आपको संधि को और भी विस्तार से समझना है तो मैं इसके बाद में पार्ट टू लेके आऊंगा, उसमें इन्हीं को और विस्तार से समझाया जाएगा, यानी कि कौन से शब्द के मिलने, कौन से वर्ण के मिलने से कौन सा दूसरा वर्ण बनता है वगैरह वगैरह दोस्तों। तो इन्हीं पांचों संधियों को मैं विस्तार से समझाने के लिए अगले वीडियो में करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक संधि नहीं लिखी है, कौन सी, दीर्घ संधि ने लिखी है दोस्तों, क्योंकि दीर्घ संधि को तो आप सभी को पता ही है, जब सजातीय वर्ण मिलते हैं, सजातीय वर्ण आपस में मिलेंगे तो वह दीर्घ संधि होगी, अ आ ई ई उ ऊ, कोई भी वर्ण अगर आपस में मिल जाते हैं तो दीर्घ संधि, यानी अ का आ से, या आ का आ से, या ई का ई से, या बड़ी का बड़ी से, या ऊ का ऊ से, या बड़ा ऊ का ऊ से, अगर इनमें से, या बड़ाऊ का बड़ाऊ से हो गया, बड़ाऊ का ऊ से, किसी का भी हो तो इन इन इनके मिलने से जो भी वर्ण बनेगा वो दीर्घ बनेगा, आ आ, बड़ी बड़ी, बड़ाऊ बड़ाऊ, ये तो सभी को पता है, दीर्घ संधि तो आप सभी जानते ही हो, एकदम इजी है। और उसके बाद में ये तीन पार्ट में कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।